तो हम लोग देखेंगे कि मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मैं आपको बताऊं तो इसमें आप क्या करेंगे, एक पिकार्ड्स मेथड आप याद कर लेंगे। पिकार्ड्स मेथड जो हमारा है जिससे हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना इसके, तो मेथड क्या कहता है, ये कहता है जो हमारा पिकार्ड्स मेथड है ना इसको सॉल्व करने का, ये है पिकार्ड्स मेथड। देखिए बताते हैं कैसे करना है। इसमें मान लीजिए आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन dx, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है फंक्शन x और y की, ठीक है। और इसकी क्या है कि इनिशियल कंडीशन आपके पास गिवन है, आपके पास इसकी क्या है इनिशियल, इसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो है, इनिशियल कंडीशन आपके पास ये है, ये y बराबर y नॉट और x बराबर x नॉट। तो आप करें क्या, देखिए ये होगा dy, यहां से dx चला जाएगा उधर साइड पे, दूसरे साइड पे चला जाएगा राइट हैंड साइड पे। फिर क्या करेंगे हम यहां से इंटीग्रेट करेंगे इसको और इनकी इनिशियल कंडीशन हम पुट करेंगे यहां पे, तो ये y नॉट और ये y और ये हो जाएगा x नॉट टू x, ठीक है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ ये मिल जाएगा, dy का y हो जाएगा। फिर अभी हम लिमिट पुट करेंगे यहां पे, ये हो जाएगा आपके पास, हाँ इसको कुछ नहीं करेंगे, ये हो रहेगा x नॉट टू x फंक्शन x कॉमा y और ये रहेगा dx। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा y माइनस y नॉट और ये हो जाएगा x नॉट टू x फंक्शन x कॉमा y और ये dx, ठीक है। ये पिकार्ड्स मेथड है, भी बताएंगे एक फार्मूला बन जाएगा उसी से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है सारी एक्सरसाइज के। तो अब क्या करेंगे, यहां से y नॉट को मैं उधर साइड भेजूंगा तो y नॉट प्लस का बन जाएगा और प्लस x नॉट टू x और फंक्शन ऑफ x कॉमा y और ये रहेगा dx। इसी प्रकार से अगर मैं इसको कह दूं कि ये हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, मतलब ये कहना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा मैं रफ करूं फिर इसके बाद बताता हूं आपको, थोड़ा सा ऊपर ये पिकार्ड्स मेथड रफ करता हूं। इसमें अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम y1 लिखेंगे, y1 का क्या हो जाएगा y0 प्लस लिमिट x0 टू x रहेगी और फंक्शन जो रहेगा वो x y0 और ये रहेगी dx। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि जब हम y1 निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे y0 रखना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार से हम यहाँ से y2 फाइंड कर सकते हैं, y2 कैसे निकालेंगे, y2 के लिए भी वही कंडीशन है x0 टू x और फंक्शन x कॉमा y। अब देखिए यहाँ पे y1 था तो यहाँ पे y0 था, अब यहाँ पर y2 है तो वहां पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे y2 की जगह पे यहाँ पे y0 की जगह पे y1 पुट करेंगे, क्योंकि एक फंक्शन आपको लेट लेके चलना है, एक कम लेके चलना है। इसी प्रकार अगर मैं और आगे चला जाऊं तो हाँ इसी प्रकार से n का बना लेते हैं सीधे, कि अगर आपके पास nth अप्रोक्सीमेशन का निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो इसी प्रकार से अगर मैं और आगे जाऊं तो हमारे पास क्या बनता है, y n इज इक्वल टू y नॉट प्लस x नॉट टू x फंक्शन x कॉमा y। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे y2 था तो यहाँ पे y1 है, y1 था तो वहां पे y0 था, यहाँ पे y n है तो मतलब एक कम करना है, तो एक कम कैसे करेंगे, n में से n माइनस वन कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा n माइनस वन और ये रहेगा dx। तो इस वाले फॉर्मूले को आपको लर्न करना है, इस वाले फॉर्मूले को आपको याद करना है, और इस वाले फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे तो हर क्वेश्चन में सबसे पहले आप लिखेंगे वी नो दैट ये चीजें हो गई है, और उसमें कहेगा कि पिकार्ड मेथड से आपको लगाना है थर्ड अप्रोक्सीमेशन फोर्थ अप्रोक्सीमेशन फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, जितना भी कहेगा उतना करते चले जाएंगे। बस ध्यान ये रखेंगे कि जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो वहां पर एक कम करेंगे, जब y2 निकालेंगे तो y1 रखेंगे, y3 निकालेंगे तो y2 रखेंगे, ठीक है। तो इसका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा। अब ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना इसके। समझिए
बहुत आसान है ये। सबसे पहले हम लोग कहेंगे वी नो दैट, मतलब हम सभी जानते हैं, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट कि y की पावर n इज इक्वल टू होता है y नॉट और प्लस x नॉट टू x फंक्शन ऑफ x कॉमा y, यहां पे है -1 और ये होता है dx। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे y बराबर 0 और क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, देन तब हम y1 निकालेंगे। सही आ रहा देखने में? हाँ भाई, तो y1 निकाल लीजिए। अब y1 के लिए वही फार्मूला लगाइए, इसलिए बताया था मैंने y0, उसमें छेड़खानी नहीं करनी आपको, x0 की वैल्यू अभी रखेंगे। चलिए अच्छा लिख देते पहले फार्मूला, फिर उसके बाद करते हैं हम लोग ये काम। x प्लस y1 y की जगह पे y0 और इसका स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर हो गया और ये dx। अब वैल्यू पुट करिए, y1 की वैल्यू कितनी है 0 तो उस रखने की आवश्यकता, y0 की वैल्यू कितनी है 0 तो वहां रखने की आवश्यकता नहीं है। x0 की वैल्यू रख लेंगे, x प्लस वैसे ही रहेगा, y0 की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 आपको मिल जाएगा। हमें लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद y2 निकाल लेंगे, y2 के लिए सेम कंडीशन है, बस वहां पे y पुट करना है हमें। भाई यहां पर y, यहां पे 2 रख के देखिए, y2 y बराबर, जब यहां 2 रखेंगे बराबर 2, यहां पे 2 हमारे से बन गया तो 1 बचा, तो y1 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी सिंपल। तो फिर वही काम करेंगे, y0 प्लस 0 टू x और x प्लस अब की बार हो जाएगा y1 का स्क्वायर और ये dx। तो जब यहां y2 सॉल्व करेंगे अब की बार हम लोग, तो वह इसकी वैल्यू 0 ही है, इसमें कुछ छेड़खानी करनी नहीं है। तो 0 टू x और प्लस, हां ये x है और y1 की वैल्यू आपको पता है x स्क्वायर अपॉन 2 इस पूरे का लगातार होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन, रुकिए ये तो पहले हाँ थोड़ा सा और करते हैं इसको, ये 0 टू x, तो यहां पर अभी आप x रहने दीजिए, x की पावर 4 अपॉन 4 हो गया और ये हो गया dx। अब इसके आगे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 और ये हो गया, ये तो कर दिया मैंने, ये आ गया आपका y2 आ गया, क्या आ गया आपका y2 निकल आया, y2 आपका निकला है। अब हाँ x की पावर 4 थी तो x की पावर 5 और नीचे 4 था x की पावर 5 5, अच्छा नीचे 4 है तो नीचे 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई, तो 5 4 जा 20, क्या हो जाएगा 5 4 जा 20। तो ये हमारी y2 की वैल्यू निकल आई, समझ गए आप ही समझे भाई, x की पावर 4 का x की पावर 5 हो जाएगा और नीचे 5 आएगा, वही इंटीग्रेट कर रहे हैं ना हम लोग यहां से, और 5 4 जा 20 कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y3 की वैल्यू निकालेंगे, y3 की वैल्यू निकालने के लिए मैं इस क्वेश्चन को रफ करता हूं, y3 की वैल्यू, चलिए अच्छा आप इसे नोट कर लीजिए फिर रफ करते हैं इसको। y3 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको y2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और y2 की वैल्यू जब आप पुट कर देंगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए फिर इसे रफ करें, हाँ अब सिर्फ एक काम और बचा, सिर्फ y3 की वैल्यू निकालनी है, थोड़ा सा मैं y2 की वैल्यू अभी y1 की वैल्यू लिख दूंगा, y2 की वैल्यू रफ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं y1 की वैल्यू, जैसे कि आपको सभी चीजें ध्यान रहे, ये y1 की वैल्यू हमारी आ गई थी x स्क्वायर अपॉन 2, क्या यही आई थी y1 की वैल्यू, हाँ x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो x स्क्वायर अपॉन 2, हाँ ठीक सही है। चलिए फिर इसे कर लें, y3 की वैल्यू निकाल लीजिए भाई, y3 के लिए वही फार्मूला फिर यूज कर लेंगे, क्या करेंगे y0 और y0 है कितना 0, y0 है कितना 0 और x की पावर फिर से 0 टू x फंक्शन ऑफ xy, तो x प्लस इस बार क्या करेंगे y की जगह पे 3 रखेंगे, y की जगह पे 3 तो 3 में से 1 गया तो, और y2 की वैल्यू हम यहां से उठा कर रख लेते हैं x स्क्वायर अपॉन 2 और x की पावर 5 अपॉन 20 और इस पूरे की पावर 2 और ये रहा dx। अब क्या करना है,
कि थोड़ा सा सॉल्व करना है इसको, 0 से x, तो x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब x की पावर 4 अपॉन 4, a स्क्वायर बना ये, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x की पावर 10 और अपॉन 400, और प्लस 2ab, तो a कितना है x स्क्वायर अपॉन 2, b कितना है x की पावर 5 अपॉन 20, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो मैं बताऊं तो मैं आपको बताऊं तो मैं आपको बताऊं तो मैं आपको बताऊं कि इसको हम इस प्रकार से सॉल्व कर दिया तो हमारे पास बचा x की पावर 7 नीचे 20, तो छोटे बच्चों वाला जो काम है वो मैंने आपको करके दिखाया और x की पावर 7 अपॉन 20 बिल्कुल एक जैसा लिखकर दिखाया। अब आप करेंगे क्या, अब आपको भी इंटीग्रेट करना है ना इसको x के रिस्पेक्ट में, देखिए तो ये y3 हो गया, x का करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2, यहां पे करेंगे तो x की पावर 5 और अपॉन 4 पहले से ही है, 5 और नीचे चला जाएगा, भाई क्या होता है बताइए, x की पावर n का इटरेशन क्या होता है, n plus 1 upon n plus 2, n plus x की पावर n plus 1 upon n plus 1, तो n plus 1 में कर रहे हैं तो 5 हो जाएगा, 4 पहले से ही है तो 20 हो गया, x की पावर 10 x की पावर 10 का क्या हो जाएगा, x की पावर 10 का हो जाएगा x की पावर 11, और जब x की पावर 11 तो मतलब नीचे 11 से मल्टीप्लाई, और 11 से मल्टीप्लाई का मतलब 11 4 जा 44 और 2 0 मतलब कि 4400 प्लस x की पावर 7 का x की पावर 8 और 8 2 जा 16 और इसी के साथ खत्म। अब थोड़ा सा एक और चीज करें, चलिए यहीं पे लिखते हैं कि आप थोड़े से समझदार हैं, मैंने पहले बताया था लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस लगा के लोअर लिमिट पे जीरो तो कुछ मतलब ही नहीं है, छोटी-छोटी सी चीजें आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए होंगे। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको सीक्वेंस वाइज लगाता हूं, कहते हैं कि जो अगर आप एक स्कूल में जाइए और छोटे सभी बच्चों को देखना चाहते हैं और सब बच्चे बड़े वाले आगे लग जाएं और छोटे वाले क्या हो जाएं पीछे लग जाएं, तो आप हमें लगता है अच्छे से देख लेंगे सभी लोगों को, तो ऐसा नहीं, सभी लोगों को हाइट वाइज लगाना है, मतलब जिसकी पावर ज्यादा है उसको रखना है पीछे और जिसकी पावर कम है उसे रखना है आगे, तो हमने इस प्रकार से सीक्वेंस में लगा दिया और आपको दिख रहा है कि हमने थर्ड एप्रोक्सीमेशन मतलब कि y3 की वैल्यू तक से फाइंड कर लिया है। आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को इस समस्या से पिकार्ड मेथड से, वो आपको सीधे क्वेश्चन में कह देगा कि यूजिंग द पिकार्ड मेथड फॉर सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन, तो आप इस वाले नियम को लगा के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन अभी हम लोग और लेंगे और फिर उसके बाद सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे हमारे ना, और बाकी आप लोग फिर पूछते रहेंगे जो भी ना आता हो आपको। चलिए इसको आप नोट करें फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन आपका 2011 में आया हुआ है, पिछला वाला 2009 में आया था, सारे जो भी आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम लोग सॉल्व करते हैं क्योंकि वही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यूजिंग द पिकार्ड्स मेथड फॉर सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन फॉर थर्ड एप्रोक्सीमेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dy / dx and x + y, और आपको y0 की वैल्यू पता है कितनी है 1, जब आपको ये पता है तो फिर आप लिख लेंगे कि वी हैव, हमारे पास y not बराबर 1 है और x not बराबर 0, जब आपके पास नहीं है तो आप ये लिख सकते हैं कि y not तो पता है तो x not क्या होगा 0 होगा, फिर आप क्या जानते हैं, फिर आप वही चीजें जानते हैं, we know that हम जानते क्या हैं कि y की पावर n का जो ये फार्मूला है ये इस प्रकार का होता है, x not to x और फंक्शन ऑफ x y, फंक्शन ऑफ x कॉमा y की पावर n माइनस 1, और ये हो जाता है dx, हो जाता नहीं हो जाता है, तो हम लोग करेंगे क्या वही फार्मूला यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग y1 निकाल लेते हैं, y0 कितना है बताइए हमको, y0 1 है आपका, x0 कितना है 0 है, फंक्शन ऑफ xy कितना है भाई, फंक्शन ऑफ x plus y0, अब देखिए यहां पे y स्क्वायर नहीं है, यहां पे सिर्फ y है, तो हमने क्या कर दिया y0 कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको और सॉल्व करेंगे, y नॉट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी वहां पे y नॉट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो आ जाएगा 0 to x, x plus y नॉट की वैल्यू है 1 और ये dy, क्या मैं इसको आगे सॉल्व कर दूं, हां बिल्कुल, तो 1 plus
एक्स का करेंगे यहाँ पे dy नहीं होता, यहाँ पे dx होता है, यहाँ पे dx। जब x का करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x square upon 2, और फिर जब 1 का करेंगे तो 1 का भाई x आ गया, तो हम लोग इसको 1 plus x square upon 2 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते बिल्कुल, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये y1 की वैल्यू निकाल आई, किसकी निकाल आई है, ये y1 की वैल्यू निकाल आई, निकाल आई नहीं निकाल आई। अब इसी प्रकार से हम लोग y2 की वैल्यू निकाल लेंगे, जल्दी से देखिए y2 भी निकाल लेते हैं यहीं से। अब y2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला फिर रखेंगे, बस यहां पे n 2 रखेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1, तो बस y1 की वैल्यू पुट करनी है। तो फिर मैं सीधे सॉल्व करता हूं, y0 की वैल्यू 1 है और ये क्या है 0 से x, सबसे पहले x था, और y की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा y1, और y1 लिख दिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये dx। और फिर अगली बार हम लोग क्या करेंगे, 1 + 1 + 1 + ये x, ये x तो वैसे का वैसा। y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू 1 + x + x² / 2, और इस पूरे का dx क्या है, पूरे का dx। और आगे इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दूं तो हमारे पास मिल जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा 1 + 2x और + x² / 2, और ये dx साथ में चल ही रहा है भाई, सभी का करना है अभी इंटीग्रेशन ना, सभी का करना है क्या इंटीग्रेशन, क्या आपको वहां पे दिखाई दे रहा है, मैं बोल दूं यहां से ये है 1 + x जोड़ दिए तो 2x + x² / 2, लास्ट में लिखा है dx, ठीक है, नहीं लिखा नहीं समझ में आया तो मैं अभी रफ करके इसको फिर से लिखता हूं, यहां पे आप पहले इसको नोट करें। हां चलिए अब हमने वो फार्मूला रफ कर दिया है, थोड़ा सा y1 की वैल्यू रफ नहीं करेंगे क्योंकि तीनों वैल्यू आपको दिखानी है ना यहां से। हां क्या मैं y2 को एक बार आपकी सुविधा के लिए फिर से लिख दूं कि आप लोग को लगे कि y2 वहां दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको y2 यहां दिखाई देगा 0 से x 1 + 2x + x² / 2, और ये लिखा था dx, ठीक है, अब दिखाई दे रहा आपको। तो y2 क्या निकल के आ गया बताइए, ये x + x² + x³/6, क्या बिल्कुल सही लिखा है मैंने, 1 का करेंगे dx तो x हो गया, x का करेंगे तो x² / 2, तो इसलिए 2 कैंसिल हो गया, x की पावर 2 का करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे y3 निकाल लेंगे, y3 कैसे निकालते हैं, y3 कैसे निकालते हैं, y3 का वही फार्मूला लगाएंगे, y0 और y0 कितना है 1, और फिर 0 से लेके x, भाई यहां पे जब अपन लोअर और लिमिट पुट करोगे तो वही मिलेगा, कोई कुछ लोग कह रहे होंगे लिमिट पुट ही नहीं कर रहे हैं, भाई पुट क्या करें, अपर लिमिट में x है तो अपर लिमिट में x रखो, सेम हमको भाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, 0 रखेंगे तो सब तो 0 कर देगा, तो उसको माइनस करने से कोई फायदा ही नहीं है, है ना। चलिए क्या है x, सबसे पहले x था पहले से, और y 2 रखना है इस बार, हर चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कैसे कहां पर क्या यूज करना है ना, थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे तो पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा। अब 0 से x, अब क्या करेंगे, x plus y2 की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, x plus x square x की पावर 3 upon 6, और इस पूरे का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इस पूरे का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए ये वाला आपने नोट कर लिया होगा तो मैं इसको रफ कर देता हूं, और y2 की वैल्यू भी थोड़ी सी मैंने यहां पे लिख दी है। अब चलिए इसको सिर्फ आपको एप्रोक्सीमेशन 3 तक करना है और आंसर में 3 देना ही है, सिर्फ y3 निकाल के आपको शो करना है, और आंसर में मतलब आपको y3 निकाल के शो करना है लास्ट में, वो लाइन बना के दे देंगे, और फिर लेकिन वो सारी चीजें भी रहनी चाहिए क्योंकि हमारे पास तो बोर्ड है तो मैं रख कर देता हूं, तो आपके पन्ने पे लिखा होगा पहले से। तो y3 देखिए क्या निकला, क्योंकि आंसर में सिर्फ y3 का आंसर आता है, तो 1 + अब देखिए यहां पे करेंगे तो ये हो जाएगा x² / 2, पहले बताता हूं मैं इनको एक बार, और कर लेते हैं 0 से x ऐड कर लेते हैं ना इनको, हम लोग ये आ जाएगा 2x + x² और x की पावर 3 upon 6 और ये dx, तो dx तो ये जो y की पावर 3 आ गई वो आ गई 1 + x² + x³/3, और फिर ये आ गया आपके पास x⁴/24। मैं आपको बताऊं कि आप कुछ मत करो, अब आप इसमें कुछ मत करो, ये आपका जो आ गया ये y3 की वैल्यू आ गई और यही आपका आंसर है,
किताब में आप देखेंगे तो आंसर आपको यही देखने को मिलेगा। मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे y1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, y1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, वो हमारे पास आई थी 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस x, ये हमारी y1 की वैल्यू थी, ये मैं लिख रहा हूँ सिर्फ। और हमारे पास y2 की वैल्यू कितनी थी, तो y2 की वैल्यू यहाँ पे कहीं लिखी हुई है, y2 की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, तो y2 की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, y2 की वैल्यू, ये y2 मैंने क्या किया, हाँ लेकिन हमने y2 में फिर y हमारा आंसर सही है 1, हाँ गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा कहीं पे, यहाँ पे क्या किया मैंने 1 प्लस वाला नहीं लिखा है वो, तभी तो हमारा शायद थोड़ा सा आंसर 1 प्लस x। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, थोड़ा सा मैंने क्या किया जब y2 की वैल्यू वहां से पुट की तो हल्की सी मिस्टेक की है, मेरे लिए समझना चाहिए, छोटी सी मिस्टेक है, कोई बड़ी नहीं है, करना वही सारी चीजें थी, बस थोड़ा सा ध्यान देना है इस चीज पे, x प्लस y2 भी तो था ना, हाँ करना क्या था इसमें कि y2 हम लोग निकाल रहे थे, तो y2 के लिए तो y0 की वैल्यू तो 1 है ना, और प्लस और 0 टू x, और y1 की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2, तो ये क्या आ जाएगी 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2, और ये आ जाएगी x की पावर 3 अपॉन 6, x की पावर 3 अपॉन 6। अब ये वाली वैल्यू आप y2 की पुट करेंगे यहां पे, देखिए अपर लोअर लिमिट लगाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां से x ऊपर है ना अपर लिमिट में, तो अब y3 की वैल्यू पुट करेंगे जाके y3 में, y2 की वैल्यू कितनी है 1, तो मैंने 1 यहां पे लिखा नहीं है, यहां पे हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले ये तो चलिए मैं पुट करके फिर से आपको दिखाता हूं, यहां पे फिर से पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा x plus y2, y2 कितना है, y2 आपके पास है 1 plus x plus x square upon 2 और x की पावर 3 upon 6 और ये हो गया आपके पास dx, क्या आ गया dx। अब आप यहां से देख क्या रहे हैं, आप यहां से देख ये रहे हैं कि 1 है तो 1 है, थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिख लें तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं और इस वाले प्लस को थोड़ा सा इनके पास लगा दें, तो अब जब सॉल्व करेंगे तो 1 तो ये रहा और इस वाले 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, सबसे पहले 1 तो 1 और फिर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x और फिर प्लस एक x स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, फिर आपका इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे तो जो y2 हमारे पास निकल के आया था उसकी जो वैल्यू आई थी 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 और x की पावर 3 अपॉन 6, तो हमारे पास जो थर्ड आया अप्रोक्सीमेशन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब अपॉन 3 प्लस x की पावर 4 अपॉन 24, ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और आप लोग पढ़ाई करते रहे और सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे वेलकम रहा और सभी लोगों से आग्रह हमारा यह है कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो मैंने कह दिया कि 2 क्वेश्चन आपको बता दिए और बाकी सारे क्वेश्चन सेम है, तो आप पढ़ाई करते रहेंगे, ऑल द वेरी बेस्ट।